Thấy nó lại đâu पहली पोजीशन जड़ी है बच्चे दी है सी के दिमाग खराब सी जबान बंद सी कान बंद सी जदो के साढ़े को लाया पहली पोजीशन दी है सी कान बंद सन जबान बंद सी दिमाग खराब सी इन द फोन नंबर है 0322-66-300 पूरा तगी ए न द फोन नंबर 0322-66-300 ते अगे पूरा 300 तक भी फोन नंबर है पहले अहमद रजा दी पोजीशन सी पहले कौमी दी राजपूत है उम्र 8 साल तक ना सुनदा सी ना बोलदा सी ते ना ही ये कोई मतलब किसा भी तरह बेहतर सी दिमाग खराब जबान बंद कान बंद सी अच्छा जी सर ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਤੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ जी जी ए मसला सी मसला है कि ये बोल नहीं सकता बिल्कुल भी और ये सुन नहीं सकता बोल भी नहीं सकता था सुन भी नहीं सकता था कोई चीज खा भी नहीं सकता था अच्छा दिमाग भी मुंह में कोई चीज डालते थे ना तो ऊपर मुंह करते थे फिर आगे जाती थी रोटी नहीं जाती थी। मतलब ये है कि जैसा कि तस्वीर में देखा गया है और बाजी ये बता रही है कि जब इसको कोई चीज देते थे तो ये वो चीज आगे गले के नीचे नहीं जाती थी नहीं जाती। दिमाग नहीं काम करता जोरी कोई भी चीज खिलाते थे सही बात। दिमाग भी काम नहीं करता था जबान भी बंद थी जी। अच्छा तो बोलता भी नहीं था सुनता भी नहीं था फिर अभी ये भी नहीं पता था कि मेरी माँ कौन है और मेरा बाप कौन है। अच्छा इसको इस तरह भी नहीं पता था कि माँ कौन है और बाप कौन बिल्कुल पहचानता ही नहीं था दिमाग काम नहीं करता था। फिर मैं CMH में लेके जाती रही हूँ। CMH कौन सी जगह खारी है मैं खारी। अच्छा CMH खारी है जाते रहे अच्छा तो कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसे मुँह में नाले गिरती थी और बोला नहीं जाता था कुछ भी नहीं कर सकता था ये अपने पांव हाथ में हिला सकता था जी जी अच्छा तो फिर 6 महीने मैंने इसको दवाई खिलाई है कोई फर्क नहीं पड़ा फिर मैं लेके गई इस्लामाबाद अलशफा इस्लामाबाद ले गए जी जी तो उधर भी मैंने 8 माह इसको दवाई खिलाई है। अच्छा 8 माह इस्लामाबाद अलशफा से भी खिलाई है जी जी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उसे। अच्छा फिर मैं लेके गई हूँ रावलपिंडी है जो उसका शहबाज शरीफ का हॉस्पिटल। अच्छा इंटरनेशनल है क्या? अच्छा उसमें लेके गई हूँ उसमें अच्छा, भी मैंने तकरीबन 6 महीने खिलाई है तो अच्छा कोई भी फर्क नहीं पड़ा इसमें। अच्छा तो फिर हमारे किसी ने अंदर मंडी पावर टीम से मैं आई हूँ जी जी मुंशी वाले में रहती हूँ जी जी क्या कहते हैं उसे उधर कोई गया था इधर से उसने मुझे बताया कि भी हकीम साहब है इस्लामपुरा जी जी उधर लेके जाओ और मैं उधर इधर लेके आई हूँ और हकीम साहब से मैंने दवाई ली है माशाल्लाह से 15 दिन की पहली दवाई में ही मेरा बेटा ठीक होने लगा। अच्छा कितना अर्सा हो गया दवाई खिलाती को 8 माह हो गए 8 माह हो गए 8 माह में क्या क्या फर्क पड़ा इसे 8 माह में माशाल्लाह बोलने लग गया खाने पीने भी लग गया और चलने फिरने सुनने का क्या पोजीशन अभी सुनते हैं आवाज जरा सी दो तो बिल्कुल इसको पता चल जाता है कि मुझे बुला। अच्छा मतलब ये है कि अभी आपको पहचान लेता है कि आप मेरी अम्मी हैं। हाँ जी माँ को भी पहचानता है बाबा को भी पहचानता है सबको पहचान दादी को सबको पहचान यानी दिमाग बिल्कुल खुल गया है माशाल्लाह से बिल्कुल खुल गया। अभी स्कूल के बारे में क्या हिसाब है स्कूल स्कूल को अब मैंने इसको दाखिल करवा दिया है। अच्छा तो 5 तारीख से ये स्कूल जाएगा यानी मैं लेके गई थी इसको
साहब ने पूछा था तो कलमे भी सुने थे, दो तीन कलमे भी सुनाए थे इसने। अच्छा माशाल्लाह कलमे भी सुनाता है भी। हाँ जी, 1-2 भी सुनाई थी। अच्छा 10 तक गिनती भी सुनाई। अच्छा माशाल्लाह, कहता कि ठीक है 5 तारीख को यानी दाखिल करवा दिए, 5 को जाएगा इंशाल्लाह। 5 तारीख को मेरा बेटा स्कूल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा माँ जी ये तुम्हारा के लगता है? भतीजे का बेटा है आपका। अच्छा आपके भतीजे का बेटा है। अभी आप कितने खुश हैं इसके ठीक होने पे? बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिली। अच्छा बहुत खुश है अल्लाह ताला ने। मैं तो आज खुश बैठी थी कि पता नहीं मेरा बच्चा मेरे हाथ में होगा या नहीं होगा। अच्छा अल्लाह से अब मैं बहुत खुश हूँ कि साथ के ऊपर के मेरे बेटे की जिंदगी मुझे खुश है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके इसको शफा अता की है। अच्छा अब ये मेरा बेटा माशाल्लाह से हर चीज हर बात समझता है, हर बात सुनता है, समझता है। हाँ जी, हर कोई मेहमान आता है इसको ये भी पता है कि इसे इस्लाम दुआ लेनी है, इस्लाम लेता है। अच्छा मुझे बार बुला के कहेगा मामा चाय वगैरह दो, इसको पानी दो। माशाल्लाह अच्छा हर चीज बताता है कि मेहमान की खिदमत के बारे में। जी जी चाय पानी है तो बिस्किट लेके आता हूँ, बोतल पानी है तो मैं बोतल लेके आता हूँ दुकान पे से। अच्छा माशाल्लाह हर चीज की समझ है, मैं बहुत खुश। यानी चलने भी लग गया है, बोलने भी लग गया, सुनने भी लग गया, समझने भी लग गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। माँ जी अभी आप कोई पैगाम देना चाहें? तो मैं तो यही कहती हूँ कि जिसके बच्चे को भी कोई ऐसा मसला है तो लाजमी अपने हकीम साहब के पास जरूर लेकर आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह काम आएगा। बच्चे के बारे में बताएं इनकी क्या इन्फॉर्मेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये बच्चा मंडी बहुद्दीन आया और जिस वक्त आया सी इधर दिमाग काम नहीं सी कर रहा और इधर दिमाग नहीं सी काम कर रहा और ना सुनता सी ना बोलता सी, बिल्कुल साई लोग सी। साई लोग तो मुराद है कि किस चीज़ का पता नहीं सी। जिस वक्त इसकी ट्रीटमेंट शुरू की तकरीबन कितना अर्सा हो गया? 8 माह के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने करम किया, सुनन भी लग पाया, बोलन भी लग पाया और चलन फिरन भी लग पाया और बिल्कुल ज़हीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह किसी का बच्चा होगा तशरीफ लिया हुआ, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदका करम फरमा दे। अगले दिन मैं चौधरी जवेद चौधरी साहब का प्रोग्राम देख रहा, जवेद चौधरी साहब मतलब डॉक्टर साहब फरमा रहे सर कि 75 लाख डाला, 5 साल तो छोटे बच्चे लग सकता, 5 साल तो बड़े बच्चे नहीं लग सकता। देख लो 8 साल उम्र की अल्हम्दुलिल्लाह, 8 साल तकरीबन मैं समझ लियो कि 7.5 साल तक जिस जद तक की उम्र थी उस वक्त तक ये सब दुनियादारी का नहीं थी पता और ना चलता सी ना बोलता सी ना सुनता सी कुछ भी नहीं सी। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने के कोर्स तो बाद आज बिल्कुल बिल्कुल बच्चा माशाल्लाह ठीक हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया, समझ गए जी। हर तरह की मतलब जरा ना इस बेहतरी है। हूँ अमीन कहना पे कि जल्दी करो कि दवाई लिए चलिए। देखो बच्चे का बोलना या सुनना या मतलब एक खास अल्लाह ताला का करम है। इस तरह किसी का बच्चा होवे जरूर तशरीफ लाया हुआ, जो बच्चे बोलते नहीं सुनते नहीं या मतलब है नज़र बंद है या पोलियो के शिकार है, ये बच्चा बोलता भी नहीं सी, सुनता भी नहीं सी और चलता भी नहीं सी, इस पता ही नहीं सी दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरह किसी का बच्चा होवे जरूर तशरीफ लाया हुआ, आपका 2007 नारायण मुबारक के सदका ठीक हो जाते हैं। मेरी आखिरी अर्ज है कि असी लोग वालदैन की इज्जत नहीं करते, खुदा रहा वालदैन की इज्जत करो। वालदैन की इज्जत के अल्लाह ताला ने यह सारी मुहब्बत छुपा रखी ने, यह रहमत शफावान सब माँ प्यो के कदम के खाक के सदकर। इस वास्ते इस तरह किसी का बच्चा होगा खुदा रहा लैके आवे आका 2007 नारायण मुबारक के सदका ठीक हो जाते हैं। जैसा कि देख लो बच्चा सुनता नहीं सी बोलता नहीं सी, उस तो इलावा हूँ माशाल्लाह सुनता भी है बोलता भी है और हूँ स्कूल के दाखिल भी करा दिता ने और 3 कलमे भी इस इन्हें वालदा कहती है कि 3 कलमे भी सर ने सुनाए ने तो उन्हें ता दाखिल किया, 10 तक गिनती भी इस बच्चे ने सुनाई है तो उन्हें दाखिल ता किया, 5 तारीख तो इस मुसलसल स्कूल भी जाया करना है। हाँ जी मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि किसी का भी बच्चा ऐसा बीमार हो कि दिमाग ना काम करता हो, सुनता ना हो, जैसा भी कोई भी चीज़ की मजदूरी है तो हम हकीम साहब के पास जरूर लेकर इंशाल्लाह से मेरा बच्चा ये देख लो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गया। बोलता नहीं था, सुनता नहीं था, कुछ भी नहीं था इसको पता कि ना चलता था, मेरा बाप कौन सा है, चल भी नहीं सकता था, तो यहाँ तक कि इसको लतीफ शाह का भी पता नहीं चलता था कि मेरा बीच में निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतर जी माशाल्लाह से अब खुद ही वॉश में जाता है, यानी वॉश में से। अच्छा
پخانا کرنے خود ہی جاتا ہے، خود ہی واش اپنے آپ کو کر کے آتا ہے؟ الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے، نہا بھی خود لیتے ہیں. اچھا نہاتا بھی ابھی خود ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. صبح کے کہے گا مجھے برش دو، میں نے برش کرنا ہے تو پھر میں نے ناشتہ کرنا. اچھا پہلے صبح برش کرتا ہے پھر جو ناشتہ کرتا ہے. الحمدللہ.